नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो में। आज हम डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन की एक न्यूमेरिक प्रॉब्लम के बारे में। तो फ्रिक्शन का हमने एक प्रॉब्लम लिया है तो उसको हम देखेंगे। तो इसके अंदर हमें जो दिया है पहले वो देख लेते हैं। तो इसके अंदर हमें एक ब्लॉक दिया है जो एक सरफेस है उसके ऊपर हमने उसको रखा है। तो ब्लॉक का जो वेट है वो है 100 न्यूटन, यानी कि मान लीजिए ये जो ब्लॉक है इसका जो वेट है सेंटर ऑफ ग्रेविटी से नीचे की तरफ एक्ट करेगा, जो कि हमको दिया है 100 न्यूटन। तो वेट नीचे की तरफ एक्ट करेगा तो जो सरफेस है इस वेट को एक ऑपोजिट रिएक्शन भी देगा जो इस सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल होगी, तो ये होगी R। तो ये नॉर्मल रिएक्शन बिल्कुल इसके ऑपोजिट लगेगी। और हमें क्या दिया है, P1 फोर्स हमें निकालनी है, यानी कि इस ब्लॉक को एक P1 फोर्स के साथ खींच रहे हैं। तो वो P1 फोर्स जो है वो हमें निकालनी है एट एन एंगल 15 डिग्री हमें दी है कि इस एंगल पे हमने फोर्स लगाई तो कितनी फोर्स लगानी पड़ेगी। अब देखिए, जब P1 फोर्स लगाएंगे और ये बॉक्स जब स्लाइड करने की कोशिश करेगा तो इसके बिल्कुल ऑपोजिट एक फोर्स लगेगी जो कि होगी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जिसको हम बोलते हैं F और जिसका फॉर्मूला होता है μr। तो ये होती है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इसी तरह से आपको जो म्यू की वैल्यू दी है वो 0.5 दी गई है। तो म्यू की वैल्यू आपको दी गई है 0.5। हमें क्या निकालनी है, फोर्स जो पुल करे इसको, और दूसरी फोर्स निकालनी है जो कि पुश करे इसको, यानी कि ये हमने पुल किया, यहाँ से इसको पुश किया जाएगा। जब आप इसको पुश करेंगे तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, यानी कि पुश करेंगे तो मोशन इस तरफ मिलेगा, मोशन आपको इस तरफ मिलेगा। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस तरफ लगेगी, इस तरफ लगेगी, यानी जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है यहाँ पर इस तरफ लगेगी, मोशन के बिल्कुल ऑपोजिट लगेगी। और जो वेट है वो नीचे की तरफ है, वो हमें दिया है 100 न्यूटन, और जो नॉर्मल रिएक्शन है वो कहाँ पर लगेगी, बिल्कुल वेट के ऑपोजिट लगेगी, यानी कि सरफेस के बिल्कुल नॉर्मल। तो ये है रिएक्शन R। तो इस तरह से आपको दो फिगर्स यहाँ पे बनानी है जिनके अंदर हमें निकालना है पुल जो फोर्स है और जो पुश फोर्स है, तो कितनी कितनी होंगी। तो हम निकालते हैं, तो सबसे पहले तो हम पुल फोर्स निकालते हैं जो कि है P1। तो P1 क्या है, पुल फोर्स है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इसको निकालेंगे, तो सबसे पहले तो क्या करना होगा हमें, हम मानेंगे कि ये जो है लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, क्योंकि ये जस्ट वो पॉइंट है जहाँ से जब हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो ये स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा। तो उससे जो जस्ट पहले वाला पॉइंट है वहाँ पे लिमिटिंग इक्विलिब्रियम है, तो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है, तो वहाँ पे क्या करेंगे, हम फोर्सेस को बैलेंस करेंगे। फोर्सेस क्या होंगी, बैलेंस होंगी, फोर्सेस आर बैलेंस्ड। तो जो फोर्सेस होंगी उनको हम बैलेंस करेंगे, तो वो किस तरह से करेंगे, यानी कि जो ऑपोजिट फोर्सेस हैं उनको इक्वल टू में रख देंगे। यहाँ पे जो एक तरफ मान लीजिए इस तरफ फोर्स लगी है और इस तरफ फोर्स लगी है, तो दोनों इक्वल होंगी क्योंकि यहाँ पे वो लिमिटिंग इक्विलिब्रियम में है। अब देखिए, जो P1 है एक एंगल पे लगी है जो कि 15 डिग्री है। तो P1 के हमारे यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे, एक तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और एक वर्टिकल कंपोनेंट। तो जो ये है जो वो होगा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, यानी कि P1 cos 15 डिग्री। तो ये आपका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा इस P1 फोर्स का, और जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा ये होगा, यानी कि P1 साइन 15 डिग्री, जो कि R के डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट बनेंगे। अब आप फोर्सेस को यहाँ पे बैलेंस करेंगे, तो सबसे पहले हम जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हैं उनको बैलेंस करते हैं, यानी कि समेशन Fx इक्वल टू जीरो हम करते हैं। तो यहाँ पे देखिए, जो हॉरिजॉन्टल में फोर्स हैं F जो है इस तरफ लगी है, और जो P1 का कंपोनेंट कोस वाला यानी कि हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो इस तरफ लगा है, तो दोनों इक्वल होंगे, यानी कि F किसके बराबर होगा, P1 कोस 15 डिग्री के, तो इसके बराबर होगा। दूसरा, अब हमने हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट देख लिए, अब हम वर्टिकल कंपोनेंट को देखते हैं। समेशन Fy0, यानी कि जो वर्टिकल कंपोनेंट है, अब देखिए ये तो हॉरिजॉन्टल थे, ये वर्टिकल हैं, R प्लस P1। अब यहाँ पे आप लिख लीजिए, एक ही डायरेक्शन में है, R प्लस P1 साइन 15 डिग्री। ये किसके बराबर होंगी, जो नीचे बिल्कुल फोर्स है ये है W, यानी कि ये हो गया W। जब आप इसमें से R निकालेंगे वो क्या आएगा, W माइनस P1 साइन 15 डिग्री, तो ये वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे आपने R की वैल्यू निकाल ली। अब F किसके बराबर है हमारे पास, म्यू इंटू R के, तो R की वैल्यू क्या है, ये है, तो यहाँ पे R की वैल्यू को पुट कर दिया जाएगा। म्यू जो R की वैल्यू है, W माइनस P1 साइन 15 डिग्री, तो R की वैल्यू म्यू और R की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी।
अब उसके बाद क्या है, जो हमारा एफ है, अब ये एफ म्यू आर के बराबर है, यहाँ पे एफ किसके बराबर है, पी वन कोस 15 के। तो यहाँ पे जो एफ है इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देंगे पी वन कोस 15 डिग्री। तो एफ की जगह ये वैल्यू पुट कर दी और आर की जगह हमने ये वैल्यू पुट कर दी। अब यहाँ पे देखिए पी वन है, जब आप पी वन को निकालेंगे तो यहाँ से आप पी वन को निकाल लेंगे, जब आपका पी वन निकलेगा वो क्या आएगा, म्यू इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाय म्यू इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाय कोस 15, कोस 15 डिग्री प्लस म्यू साइन 15 डिग्री, साइन 15 डिग्री। तो जब आप इसको सोल्व करेंगे तो जो P1 की वैल्यू है, देखिए ये इस तरफ आ जाएगा, P1 कॉमन आ जाएगा, तो P1 कोस 15 ये नीचे आ जाएगा 15 डिग्री प्लस म्यू जो साइन 15 है और म्यू डब्ल्यू ऊपर आ जाएगा। तो जब आप म्यू की वैल्यू आपके पास है 0.5 है, W की वैल्यू आपके पास 100 न्यूटन है, cos 15 आप निकाल लेंगे, म्यू साइन 15 आप निकाल लेंगे और आपको जो है P1 की वैल्यू मिल जाएगी, जब आप इसको सोल्व करेंगे लगभग ये आएगी 46.08 के लगभग ये आ जाएगी, ये आप चेक कर लीजिएगा जो भी ये वैल्यू आपकी आती है। तो इस तरह से आप P1 की वैल्यू निकाल लेंगे। अब ये तो है पुल फोर्स, ये आपने निकाल ली, अब आपको पुश फोर्स निकालनी है। इसके अंदर भी आपको सेम करना है, सबसे पहले तो फोर्सेस को बैलेंस करना है, यानी कि जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है उनको बैलेंस करना है और फिर जो वर्टिकल कंपोनेंट है उनको बैलेंस करना है। अब देखिए इसके अंदर जो P2 है, पुश फोर्स है, इसके जो दो कंपोनेंट बनेंगे वो किस तरह से बनेंगे, देखिए ये इस तरफ था, ये इस तरफ था इसके अंदर। अब इसके अंदर देखिए क्या बनेंगे, इसके अंदर जो कंपोनेंट बनेंगे वो एक इस तरह से बनेगा, एक इस तरह से बनेगा और एक इस तरह से बनेगा। जैसे इसके एक इस तरह से था और एक इस तरह से था जो कि हमने यहाँ पे लिया था, इसका एक इस तरह से होगा, एक इस तरह से होगा। यानी कि ये तो है P2 साइन 15 डिग्री ये है, और जो ये है हॉरिजॉन्टल है, ये P2 कोस 15 डिग्री ये है। तो इस तरह से इसके दो कंपोनेंट बनेंगे। अब जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो देखिए, हॉरिजॉन्टल में जो F है वो किसके बराबर होगा, जो F है यानी कि जो म्यू आर के बराबर है वो किसके बराबर होगा, जो इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है यानी कि P2 कोस 15 डिग्री के बराबर होगा, तो P2 कोस 15 डिग्री के ये बराबर होगा। अब वर्टिकल कंपोनेंट की बात करें तो वर्टिकल कंपोनेंट में इसके अंदर देखिए क्या है, इसके अंदर जो आर की वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, देखिए ये भी नीचे की तरफ है जो कि ये P2 साइन 15 है, तो R किसके बराबर आएगा, P2 साइन 15 डिग्री प्लस इसके साथ ये भी नीचे है W, तो W इसके अंदर प्लस हो जाएगा, तो ये आपका W प्लस P2 साइन 15 R की वैल्यू आ जाएगी। अब वही हमें काम इसमें करना है, F किसके बराबर है, म्यू R के बराबर है, तो म्यू R के बराबर है यानी कि म्यू R की वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, जो है ये है W प्लस P2 साइन 15, ये आप यहाँ पे पुट कर देंगे, तो आपने ये R की वैल्यू पुट कर दी। अब ये F किसके बराबर है, यहाँ पे F यहाँ पे है P2 cos 15 के बराबर, तो यहाँ पे P2 cos 15 डिग्री इक्वल टू, यहाँ पे आपने F की वैल्यू पुट कर दी और ये सारा जो है म्यू W प्लस P2 साइन 15 डिग्री आ जाएगा, तो ये आ गई आपकी वैल्यू। इसी तरह से आप P2 को इसमें से निकाल लेंगे, तो P2 की जो वैल्यू आएगी वो आप इसमें से निकाल लेंगे। P2 की वैल्यू जैसे हमने इसके अंदर P1 की वैल्यू निकाली थी, इसी तरह से इसके अंदर हम P2 की वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि आपकी आ जाएगी म्यू इंटू डब्ल्यू, यानी कि म्यू कितना आपको दिया है 0.5, डब्ल्यू कितना आपको दिया है वो दिया है आपको 100, तो ये म्यू इंटू डब्ल्यू डिवाइड बाय जो आपका ये है इस तरफ आएगा तो ये माइनस हो जाएगा, यानी कि कोस 15 डिग्री माइनस म्यू साइन 15 डिग्री, तो ये आपका आ जाएगा P2 की वैल्यू, जो P2 का फॉर्मूला बनेगा। तो आपको म्यू की वैल्यू दी है, W की वैल्यू दी है, cos 15 की आप निकाल लेंगे और म्यू भी आप निकाल लेंगे, साइन म्यू भी आपको दिया हुआ है, साइन 15 आपको दिया है, तो यहाँ से आप P2 की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी कि जो पुश फोर्स है उसकी वैल्यू आप निकाल लेंगे। तो इस तरह से आप आसानी से जो पुल फोर्स है और जो पुश फोर्स है उसकी वैल्यू आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये था फ्रिक्शन की एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जिसके अंदर हमें पुल फोर्स निकालनी थी और पुश फोर्स निकालनी थी। तो थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और ज़्यादा अपडेटेड वीडियोस के लिए आप हमारे चैनल लर्न एंड ग्रो पे हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू।